हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई एम संदीप पाटीदार फ्रॉम प्लेटिनम स्टडी क्लासेस। आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं हीट इंजन का। हीट इंजन का कंसेप्ट किसने दिया? केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट से हमें हीट इंजन की जो है कंसेप्ट पता लगा। हीट इंजन के न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं, तीन चार न्यूमेरिकल हीट इंजन के करेंगे, देन रेफ्रिजरेटर के, देन हीट पंप के, देन कॉम्बिनेशन न्यूमेरिकल के कॉम्बिनेशन। जैसे हीट इंजन ने रेफ्रिजरेटर को चलाया, हीट इंजन ने हीट पंप को चलाया, है ना, कुछ इस तरीके के कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल 39 टोटल थर्मोडाइनमिक्स का 39th न्यूमेरिकल है और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट न्यूमेरिकल है। द कॉर्नोट इंजन रिजेक्ट्स 80 मेगा जूल। कॉर्नोट इंजन, तो सबसे पहले समझ में आ गया कि कॉर्नोट इंजन है, इसका मतलब रिवर्सिबल इंजन है। कॉर्नोट का मतलब है रिवर्सिबल, रिवर्सिबल इंजन है। ठीक है, देखें तो सबसे पहले तो इंजन हम बना ले, हीट इंजन, है ना, हीट इंजन। हीट इंजन कैसे वर्क करता है? हीट इंजन कैसे वर्क करता है? हाई टेम्परेचर रिजर्वायर यानी फर्नेस से हीट को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और लो टेम्परेचर रिजर्वायर यानी एनवायरमेंट में हीट को रिजेक्ट कर देगा, या तो फिर कूलिंग टावर में हीट को रिजेक्ट कर देगा और कुछ वर्क प्रोड्यूस करेगा। तो ये क्या है? W हीट इंजन, और इसने हीट को रिजेक्ट कर दिया एट लो टेम्परेचर रिजर्वायर। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर एट टेम्परेचर TH, और इससे जो हीट निकल रही है ना, इसको आपने बोल दिया QH। फर्नेस है, यहां से हीट आ रही है, और QL अमाउंट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड एट द लो टेम्परेचर रिजर्वायर, दैट इज सिंक। तो ये हमने एक हीट इंजन बना लिया। हीट इंजन ने क्या करा? हीट इंजन क्या है? इसने फर्नेस से हीट को एब्स्ट्रैक्ट किया, वर्क प्रोड्यूस करने के बाद कुछ ना कुछ हीट का रिजेक्शन होता ही होता है। ठीक है, तो जो W हीट इंजन होगा दैट इज QH माइनस QL। देख लें, अ कॉर्नोट इंजन रिजेक्ट्स 80 मेगा जूल ऑफ एनर्जी। रिजेक्ट कर रहा है, ये क्या है? हीट एब्स्ट्रैक्ट, और ये क्या है? हीट रिजेक्ट। हीट रिजेक्ट कितना बताया इसने? 80 मेगा जूल पर एवरी आर, मेगा जूल पर आर, एंड दैट इज इक्वल्स टू, कन्वर्ट कर लें, 80 × 10⁶ डिवाइडेड बाई 1000। मेगा जूल को 10⁶ किया तो जूल, डिवाइड बाई 1000 किया तो किलो जूल, तो ये किस में हो गया? किलो जूल पर आर। इस किलो जूल पर आर को फिर से कन्वर्ट करेंगे तो 80 × ये हो गया 8000 × 1 डिवाइड बाई 3600, तो हो गया ये किलो जूल पर सेकेंड, दैट इज किलो वॉट। क्लियर है? तो हीट रिजेक्शन की वैल्यू हमें मिल गई QL, मतलब ये आपको यूनिट इसीलिए दी है कि कन्वर्शन में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े। 22.222 किलो जूल पर सेकेंड, दैट इज किलो वॉट। ये तो आपको गिवन वैल्यूज हैं, है ना, आर रिजर्वायर 8-10 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये जो हीट रिजेक्ट हो रही है 8 टेम्परेचर TL, दैट इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड इज 283 केल्विन। और आगे चलें, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर कौन सा है? TH, मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है? TH, ओके, रिजर्वायर, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, एंड द पावर प्रोड्यूस्ड बाय द इंजिन। इफ द रेट ऑफ एनर्जी एडिशन इज 40 किलो वॉट, मतलब आपको ये पता लगाना है कि जो हीट इंजिन है ये कितनी पावर प्रोड्यूस कर रहा है, और जो हीट इनपुट आपको दिया है दैट इज 40 किलो वॉट। एक चीज याद रखेंगे, इसके सिर पे डॉट लगा रहा हूं, ये इसका मतलब है डी क्रॉस क्यू डिवाइडेड बाई डी टाइम, ओके, दैट इज क्यू डॉट, है ना, ये होता है। यहाँ पे तो 40 किलोवाट दे ही दिया, ये किलोवाट में है ही, और यहाँ से आप W हीट इंजन क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट यही लिखता हूँ, फाइंड आउट करना है कि इंजन कितनी पावर प्रोड्यूस कर रहा है और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर कितना है। ओके।
कंटिन्यू करें इसको। ये दोनों चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। पावर प्रोड्यूस का मतलब है कि वर्क पर यूनिट टाइम। अब देखिए यहां पर पावर आपको दिया है तो सब पे आपको डॉट लगाने हैं, समझ लो। डॉट यानी पर यूनिट टाइम, है ना, किलो जूल पर सेकेंड। ये आपको क्या दिखा रहा है, किलो जूल पर सेकेंड, ये आपको ये दिखा रहा है पर यूनिट टाइम। ओके, तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या होती है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इक्वल्स टू होता है वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट इनपुट। वर्क आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, हमेशा एफिशिएंसी यही होता है कि जो हमें चाहिए वो ऊपर और उसको चाहने के लिए जो देना है वो नीचे। हमें क्या चाहिए, वर्क आउटपुट। तो वर्क आउटपुट इज डब्ल्यू हीट इंजन, डॉट लगा दिया, डिवाइडेड बाई हीट इनपुट। क्या दे रहे हैं आप, क्यू एच अमाउंट ऑफ हीट इज गिवेन, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, एंड दैट इज इक्वल्स टू क्यू एच माइनस क्यू एल डिवाइडेड बाई क्यू एच। देखिए नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे मैंने डॉट लगाया है, यहाँ पर आप नहीं भी लगाओगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की यूनिट्स बराबर है, फर्क नहीं आएगा, लेकिन ये सही चीज यूज करना चाहिए। दैट इज इक्वल्स टू टी एच माइनस टी एल डिवाइडेड बाई टी एच। रिवर्सिबल हीट इंजन है, कॉर्नोट साइकिल है, इसलिए हम दोनों इक्वेशन जो हमारे काम की है वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास टेम्परेचर, मेरे पास वर्क इनपुट है ना। तो सबसे पहला काम मैं क्या कर लूँ, पावर मतलब वर्क ऑफ हीट इंजन इक्वल्स टू क्यू एच माइनस क्यू एल डॉट इक्वल्स टू क्यू एच कितना है, दैट इज 40 माइनस क्यू एल कितना है, क्यू एल हमने निकाला है दैट इज 22.22 किलोवाट, दैट इज इक्वल्स टू 17.78 किलो वॉट डब्ल्यू हीट इंजन। तो ये तो हो गया पहला आंसर, आंसर वन ठीक है, 17.78 आंसर वन हो गया। अब इसमें हमें टेम्परेचर निकालना है, तो हमारे पास देखें कि कौन कौन सी वैल्यू नोन है और कौन सी हमें फाइंड आउट करनी है। हमें फाइंड आउट करना है टी एच, इस टेम्परेचर को फाइंड आउट करना है। हमारे पास टी एल की वैल्यू है हमें, और इधर देखें तो ये वैल्यू है और ये वैल्यू भी है। तो इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ यूज़ कर लें, इसको और फाइंड आउट कर लें। डब्ल्यू हीट इंजन वर्क निकाला है दैट इज 17.78 डिवाइडेड बाय क्यू डॉट एच, क्यू डॉट की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, मतलब है ऑलरेडी, दैट इज 40 इक्वल्स टू टी एच हमें फाइंड आउट करना है माइनस टी एल दैट इज 283 केल्विन डिवाइडेड बाय टी एच। इसको सॉल्व करें, आंसर लिया है 17.78 टी एच इक्वल्स टू 40 टी एच माइनस 40 इंटू 283, सॉल्व करें और यहां से आंसर लिया है आंसर टू। आंसर इज टी एच इज 509.45 केल्विन, दिस इज द आंसर। ओके, इसके बाद एक और न्यूमेरिकल हम करते हैं कंटिन्यूशन में, बिल्कुल सेम डायग्राम में हीट इंजन का बना हुआ रहने देता हूं, है ना, और इसको क्या डेटा है उसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं, जो फालतू का पार्ट है इसको इरेज करता हूँ। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 40। अ कॉर्नोट हीट इंजन जैसे लास्ट में डायग्राम बनाया, हीट इंजन है, रिवर्सिबल हीट इंजन है, है ना, कॉर्नोट इंजन है, रिवर्सिबल हीट इंजन है। हीट इंजन कैसे काम करता है, फर्नेस या हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है, वर्क प्रोड्यूस करेगा और कुछ हीट सिंक पे रिजेक्ट हो जाती है ना, सम हीट इज रिजेक्टेड टू द सिंक। अगर आपको क्या क्या दिया है वो वैल्यूज देखें और लिखते चले जाएं। कॉर्नोट हीट इंजन रिसीव्स 500 किलो जूल ऑफ हीट पर साइकिल एट हाई टेम्परेचर रिजर्वायर और हाई टेम्परेचर सोर्स एट 652 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको दे दिया है ना। तो आपको क्यू एच अमाउंट ऑफ हीट दिया है दैट इज 500 किलो जूल, एंड टी एच आपको दिया है टी एच इक्वल्स टू 652 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज 925 केल्विन। ओके, टी एच की वैल्यू कितनी दे दी, 925 केल्विन। एंड रिजेक्ट हीट टू अ लो टेम्परेचर रिजर्वायर 830 डिग्री सेंटीग्रेड, हीट रिजेक्ट हो रही है 830 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज
303 Kelvin. 303 Kelvin. Determine the thermal efficiency of the Carnot engine and the amount of heat ejected to the sink. Sink यानी जो heat को absorb कर रहा है sink. Amount of heat rejected at the rejected to the sink. ये दोनों चीजें find out करना है. Find out efficiency of Carnot heat engine and heat rejected at the sink. QL. Continue करें इसको. आपको find out करना है efficiency of Carnot cycle क्या होती है. Efficiency of Carnot heat engine equals to efficiency work output divided by heat input. Work output आपको मिला है W heat engine. Work input आप देते हैं QH. लिख देता हूं. वर्क आउटपुट है आपका W हीट इंजन और इसके आपको चाहिए क्या W हीट इंजन और इसके लिए आपको क्या देना है W हीट इंजन इक्वल्स टू होगा QH माइनस QL और इसको चलाने के लिए आपको हीट इन दैट इज QH आपको देना है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इक्वल्स टू QH माइनस QL डिवाइडेड बाई QL है ना. टेम्परेचर की भी इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं दैट इज आल्सो इक्वल्स टू टी एच माइनस टी एल डिवाइडेड बाई टी एच. वैल्यूज टेम्परेचर की वैल्यूज हमारे पास है एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लें. एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन मतलब किसको यूज करें ये और ये इससे हम एफिशिएंसी फाइंड आउट करें. एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इक्वल्स टू टी एच इज 925. बहुत आसान न्यूमेरिकल है एक बार समझने की जरूरत है बस. गेट में ईएस में इंजीनियरिंग सर्विसेज में कई बार को ये क्वेश्चंस सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं. एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन आपको मिल गई 0.672433 है ना. इन में आ जाएगा 67.243% हीट इंजन Carnot हीट इंजन की एफिशिएंसी आ गई. दूसरा आपको फाइंड आउट करना है QL अमाउंट ऑफ हीट. अब इसमें हम देखें पूरी इक्वेशन में क्या है हमारे पास नोन और क्या अननोन है. QH अमाउंट ऑफ हीट है हमारे पास है ना. QL हमें फाइंड आउट करना है इसी इक्वेशन में रखें और यहाँ पे हम गलती कर दे रहे थे. दिस इज QH. ओके QH वैल्यूज रखें आंसर लिया है. QH माइनस QL डिवाइडेड बाई QH इक्वल्स टू TH माइनस TL डिवाइडेड बाई TH. वैल्यूज रखें 500 माइनस QL जो हमें चाहिए कितनी हीट रिजेक्ट हुई सिंक पे यही फाइंड आउट करना है. एंड डिवाइडेड बाई 500 इक्वल्स टू हाई टेम्परेचर रिजर्वायर टेम्परेचर 925 लोअर टेम्परेचर 303 डिवाइडेड बाई 925 यहाँ से फाइंड आउट कर लें QL. आंसर इज 163.78 ऑलमोस्ट 164 किलो जूल है ना. सिंपल न्यूमेरिकल है अभी वन बाय वन करके हम न्यूमेरिकल की वैरायटीज बढ़ाएंगे लेवल बढ़ाते चले जाएंगे. हीट इंजन का ये दूसरा न्यूमेरिकल है नोट करिए इसके बाद एक और न्यूमेरिकल कंटिन्यू करते हैं. सो फ्रेंड्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं. न्यूमेरिकल नंबर 41 हीट इज ट्रांसफर्ड टू अ हीट इंजन. हीट इंजन के ही न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं अभी. तो हीट इंजन जैसे पहले लास्ट न्यूमेरिकल में बनाया था बिल्कुल वही है. हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट को एब्स्ट्रैक्ट करेगा. वर्क प्रोड्यूस करने के बाद कुछ ना कुछ हीट को सिंक पे लो टेम्परेचर रिजर्वायर पे रिजेक्ट कर देगा. हीट इंजन फ्रॉम अ फर्नेस एट अ रेट ऑफ 80 kW हीट ट्रांसफर हो रही है एक फर्नेस से 80 MW की पावर है ना. इंजन के अंदर आ रही है फर्नेस से दैट इज 80 MW. 80 MW का मतलब क्या है 80 × 10⁶ तो हो गया वॉट. डिवाइडेड बाई 1000 करोगे तो आ जाएगा आपके पास QH इक्वल्स टू 800000 80,000 किलो वॉट
अगर किलोवाट में चेंज करना है, अदरवाइज तो आंसर आपको मेगावाट में दिया है तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, सारा मेगावाट में है तो मेगावाट आप यूज कर सकते हैं। इफ द रेट ऑफ वेस्ट हीट रिजेक्शन टू अ नियर रिवर इज 50 मेगावाट, जो हीट रिजेक्ट हो रही है कूलिंग टावर की हेल्प से रिवर में, दैट इज 50 मेगावाट। तो हीट रिजेक्शन यहाँ पे कितना हो गया, दैट इज 50 मेगावाट। कन्वर्ट करेंगे तो बिल्कुल सेम होगा, 50000 किलो वॉट, है ना। दिस इज रिवर, रिजर्वायर यहाँ पर क्या है, रिवर। रिवर में हीट रिजेक्ट हो रही है, कहाँ से हीट आ रही है, फर्नेस से हीट आ रही है। डिटरमाइन द नेट पावर, डिटरमाइन द नेट पावर आउटपुट, मतलब आपको नेट पावर आउटपुट W डॉट आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट एंड एंड द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ दिस हीट इंजिन, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजिन ये फाइंड आउट करना है। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, कंटिन्यू करते हैं। देखें, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजिन इक्वल्स टू वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट इनपुट। सेम इक्वेशन हम कई बार लिख चुके हैं, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजिन इक्वल्स टू W हीट इंजिन डिवाइडेड बाय हीट इन। डॉट इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि आपको जो गिवन वैल्यूज हैं दैट इज इन किलोवाट, दैट इज इक्वल्स टू QH डॉट माइनस QL डॉट डिवाइडेड बाई QH डॉट एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू TH माइनस TL डिवाइडेड बाई TH। देखिए, एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है, दोनों टेम्परेचर है क्या हमारे पास, नहीं है, दोनों हीट है, बस हीट की वैल्यू रखो। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इक्वल्स टू वैल्यूज रखें, कितनी हीट, दैट इज 80 मेगावाट माइनस 50 मेगावाट डिवाइडेड बाई 80 मेगावाट। तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन आ जाएगी, कैलकुलेट करें और आंसर ले आए 0.375, दैट इज इक्वल्स टू, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो 37.5% आंसर, आंसर वन। दूसरा आपको क्या फाइंड आउट करना है, नेट पावर आउटपुट, कुछ है ही नहीं, आंसर टू हो गया ये। नेट पावर आउटपुट क्या होगा, W नेट इक्वल्स टू Q डॉट H माइनस Q डॉट L, मतलब आपको क्या निकालना है, W हीट इंजिन ये निकालना है, इक्वल्स टू बिल्कुल सिमिलर 80 माइनस 50 दैट इज 30 मेगावाट और 30,000 किलो वॉट। दिस इज आंसर टू। पहले आपको ये डायरेक्टली फाइंड आउट करना था, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। हीट इंजन इक्वल्स टू क्यू डॉट एच माइनस क्यू एल डॉट, छोटे छोटे आसान न्यूमेरिकल थे। इसके बाद हम क्लॉजेस स्टेटमेंट और हीट पंप रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ेंगे और उस पर न्यूमेरिकल करेंगे। सो प्लीज़ नोट डाउन स्टूडेंट्स।